हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज मटर और पनीर को लेकर एक रेसिपी बनाएंगे। मटर पनीर आप उसको कह सकते हैं, और आप क्या नाम रखेंगे इस रेसिपी का, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर आप मेरे को बताना कि आप इस रेसिपी का क्या नाम रखना चाहेंगे। तो हम थोड़ा सा आइडिया कर रहे हैं, मटर पनीर वैसे बना बना के, नॉर्मल बना बना के, रेस्टोरेंट स्टाइल बना बना के, एक्चुअली मैं तो हो चुका हूँ बोर। तो कुछ अलग करते हैं आज मटर पनीर के साथ में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रेसिपी लास्ट तक देखते रहें, इतनी डिलीशियस रेसिपी बनेगी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक बार बनाई थी तो मैंने सोचा एक बार आपको भी बता देता हूँ बना के। मैंने जल्दी जल्दी में बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी, फैमिली मेम्बर ने सब ने खा कर बताया था, बहुत मज़ा आया। तो सोचा मैंने कि आपके साथ भी ये शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम तो लिया है पनीर, और यहाँ 300 ग्राम ही मैंने लिए मटर, इक्वल लेना है आपको, ये ध्यान रखना। और ये दानों का वजन है, इन मटर के दानों का। यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, इनको थोड़ा सा मैंने मोटा काटा है, बारीक भी नहीं काटा है और बड़ा भी नहीं काटा है, बीज का साइज काटा है। और यहाँ लहसुन डलेगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि सर्दी है, लहसुन अच्छा रहता है सेहत के लिए, और थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और आप थोड़ा कम भी यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी मोटी काटी हरी मिर्च को, तो यहाँ पर मैंने एक काफ़ी बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली थी। तो अब बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। रेसिपी पसंद आए सॉरी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वो जो बेल आइकन है ना उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बोर नहीं करते, शुरू करते हैं कुछ नया मटर पनीर के साथ। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है पैन, सुंदर और सुशील वाला। तो यहाँ पर डालते हैं हम करीब 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल को हमने देते हैं थोड़ा सा गर्म, हो गया है काफ़ी सारा गर्म अच्छे से। यहाँ डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, जीरा डालेंगे साथ में, जीरा मैंने करीब 1 टेबल स्पून लिया है। राई के दाने डालेंगे 1 टीस्पून, यानी एक छोटा चम्मच, और जो जीरा है वो एक जो बड़ा चम्मच आता है हमारा, जो स्पून होती है घर में जो काम में आती है वो वाला। थोड़ा सा इसको इस तरीके से तड़का लगने देंगे, ये देखिए तड़का लग गया है, और जलाना नहीं है इसको। यहाँ पर डालेंगे हम प्याज, लहसुन, साथ डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ इसलिए मैं जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी हरी मिर्च अगर तीखी ना हो तो आप बाद में डालें, थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद में, लेकिन तीखी हो तो पहले डाल दें, तो थोड़ा सा तीखापन इसका इसमें से तेल से निकल जाएगा। तो अब इसको चला लेते हैं। तो ये देखिए प्याज अब भी तेल छोड़ चुकी है सारा, देखिए साइड में तेल आ गया, अब बबल देखिए तेल के ही बबल दिख रहे हैं आपको, शुरू में ही ऐसा नहीं था। तो प्याज को आपको पूरा ब्राउन नहीं करना, अगर आप एकदम से पूरा ब्राउन कर देंगे तो अभी इसके साथ में हमें बहुत काम करना है। तो यहाँ पर जो मटर ली थी हमने, तो ये फ्रेश मटर है, फ्रोजन मटर भी नहीं है, और एकदम फ्रेश मटर जो अभी आ रही है वही लेना आप यूज़ में, तभी मज़ा आने वाला आपकी रेसिपी में डाल देंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एक या दो सीक्रेट हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा रेसिपी के। सॉरी, यहाँ पर बस सबसे पहले डाल देंगे हम करीब 1 टी स्पून नमक, और अब हमें रेड इस मटर को विदाउट पानी डाले इसी के अंदर पकाना है, पानी नहीं डालना है मटर को इसके अंदर। गैस को रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए गैस को रखना है आपको हाई फ्लेम पे, और फिर लो फ्लेम पर। तो अभी 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखना है, तो इसलिए अभी क्या करते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो हो गए, एक बार उठा लेते हैं ढक्कन और एक बार इसको मिला लेते हैं। तो मिला लिया है इसको हमने एक बार, और 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर, 1 मिनट के लिए, पहले हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया था, अब मीडियम लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए और ढककर रख देते हैं। बीच में आप थोड़ा सा चेक जरूर कर लें क्योंकि मटर जलनी नहीं चाहिए वरना पूरी रेसिपी बेकार हो जाएगी। हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर ढक के रख दिया, हटा लेते हैं ढक्कन। और अभी ये मटर हमारी सीजी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची थी, तो यहाँ पर अब गैस करते हैं हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर अब इसे हम 1 मिनट और इस तरीके से थोड़ा सा चलाएंगे, टॉस करेंगे थोड़ा सा। अभी इसको हमने हाई फ्लेम पर चला लिया है टॉस कर करके इस तरीके से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको लास्ट में आपको जो मटर है ना, ये देखिए इस पर सल पड़ जाएंगे मटर पे, देखिए सलवट है ना, ये सलवट पड़ जाएगी मटर पे, तो तब समझ लीजिए कि आपके मटर ठीक ठाक, यानी कि 80% से 85% पक चुकी है,
रखते हैं इसको ढक्कन लगाते थे इस तरीके से, गैस कर देते हैं बंद और इसको रखते हैं साइड में। हमने जो पनीर लिया था उसको हमने हाथों से देखिए इस तरीके से मैश कर लिया, और इस मैश करने का जब इसका जो फ्लेवर आता है ना पनीर का, आ हा हा हा, मज़ा आ जाता है। तो इसको मैश कर लिया हमने, हाथ से कर लिया, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हमारी घर वाली कढ़ाई जो सबके घर में होती है वैसी वाली। यहाँ पर डालते हैं हम करीब 2 टेबल स्पून ऑयल, तेल गर्म होने के साथ ही डाल देंगे इसके अंदर बिना वक्त गवाए मैश किया हुआ पनीर। इसको हमें 2 मिनट अच्छे से तेल के अंदर फ्राई करना है, और अब ये पानी भी छोड़ेगा तो उसका पानी भी जलाना है, और गैस रखनी है मीडियम लो फ्लेम पर। तो आपको इस स्टेज तक पनीर को पकाना है, आप थोड़ा सा वाइट भी रख सकते, मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने मटर शुरू में बॉईल की थी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में मिला लेते हैं इसको एक बार, मिलाने के बाद में अब क्या करना है आपको, ये बीच में इस तरीके से जगह कर देनी है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम रेड चिली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 बहुत छोटा चम्मच यानी 7 से 8 पिंच, और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, हल्दी डालेंगे 8 से 10 पिंच, गरम मसाला डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इसको यहाँ पर ही मिला लेंगे, बस इस तरीके से मिलने के बाद फिर इसे पूरी तरीके से मिला लेंगे इसके अंदर। इस तरीके से मिलाने के बाद में यहां पर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के टमाटर, कद्दूकस कर लिए, डाल देंगे, डालेंगे। आया ना मुंह में पानी, बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। मतलब करीब करीब इसमें आधी से थोड़ी सी कम तो मैं अकेला ही खा जाता हूँ। अब इसमें लिटिल बिट पानी डालते करीब 50 ml के आसपास, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और बिल्कुल भी। और आप अगर थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप के आसपास पानी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसे हम मिला लेते हैं, और बस यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट इसे चलाना है मीडियम लो फ्लेम पर। 2 मिनट चला लिया है, ये देखिए सब तेल ऊपर आ गया है जो हमने इसमें डाला था, और पनीर में भी काफ़ी तेल होता है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, काफ़ी बारीक काटना है आपको, डाल देंगे इसमें काफ़ी सारा, करीब 40 से 50 ग्राम। और धनिया काटते वक्त बारीक काटने के चक्कर में मेरे लग गया कट, तो इसके लिए तो एक लाइक मार देना कट के लिए, तो प्लीज़ यूनिक रेसिपी वैसे भी आपको एक लाइक मारना ही है। हो मिला लेते हैं, अब हमेशा की तरह मेरा लास्ट स्टेप, आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में तो बता देना। फाइनली इसको बस 1 मिनट के लिए ढक के रखना है, तो हो गया है पूरा 1 मिनट। गैस करते हैं यहाँ पर बंद, काफी जलन हो रही है ये देखिए, कोई नहीं। और ये देखिए, ये देख कर मुझे लगा हो कटा हो मज़ा आ जाता है मुझे तो फिर। हाँ 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 देखिए, हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। और आप सर्च करके बताना मुझे इस टाइप से, इस तरीके से किसी ने मटर पनीर बनाई हो तो मुझे उस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या मेरे को अगर ऐसा लग रहा हो कि मैंने ही बनाई है तो आप मुझे रियलाइज ज़रूर कराना। और अब देखो इसको सर्व करने का जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको सर्व करने के लिए एक चीज़ का यूज़ लेना पड़ेगा, आपको लेने पड़ेंगे जो डोने आते हैं ना जिसमें हम कचौरी समोसा एनीथिंग जो चीज़ें खाते हैं वो। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डोना आता है ना, आ हा हा, इसके अंदर आप सर्व करेंगे। तो मैं सर्व करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप,
इसके अंदर सर्व करेंगे ना आ हा देसी स्टाइल भी और साथ में स्वाद और मजा भी। इसमें सर्व करके दें आप, बहुत मजा आएगा खाने में। और आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, मटर और पनीर की। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो जो घंटी बटन है उसको जरूर दबा लेना ऐसे ही यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही। डोना फूटा हुआ है, तेल निकल रहा है नीचे से, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो बता देना। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाए उसे खाकर खत्म करते हैं तंदूरी रोटी के साथ।